छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। बीजापुर में पुलिस नक्सलियों में मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया गया। वहीं मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च अभियान भी चलाया गया। बीजापुर में बासागुड़ा थाना क्षेत्र के बलम निड्रा इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग में पुलिस ने 3 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया। मामला बांसागुड़ा थाना क्षेत्र का है। इलाके में सर्चिंग जारी है। नक्सली लीडर विनोद कर्मा, राजू पुनेम समेत 20 से 25 नक्सली मौजूद होने की खबर पुलिस को मिली। इसी सूचना के आधार पर बीजापुर DRG और कोरबा 210 बटालियन की संयुक्त टीम को रवाना किया गया। बासागुड़ा थाना क्षेत्र के बलम नेड्रा इलाके में पुलिस पहुंची। यहां घात लगाकर बैठे नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसके बाद जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की आड़ लेकर भाग निकले। फायरिंग रुकने के बाद जवानों ने इलाके की सर्चिंग की। सर्चिंग के दौरान एक महिला समेत 3 नक्सलियों का शव बरामद किया गया। साथ ही मौके से भारी मात्रा में नक्सलियों का सामान भी मिला है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार सुरक्षा बलों का अभियान जारी है और एक के बाद एक कई मुठभेड़ में बड़े नक्सली मारे गए हैं। वहीं सरकार के आत्मसमर्पण नीति के तहत सैकड़ों इनामी नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े बड़े अधिकारी ने हाल ही में दावा किया कि नक्सली अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जशपुर में 2 पिटाई के मामले सामने आए। पहला मामला छात्रों से जुड़ा है, जहां एक शराबी